काम से दूर दोस्तों के बीच में 2 दिन। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बेंगाल में एक जगह है बरामंगवा बोल के वहाँ पर। और ये मेरे साथ मृणाल है और सुबह है। अभी लोकल ट्रेन में है और पकड़ेंगे दार्जिलिंग मेल। वो अभी से लगभग 1 घंटा 10 मिनट बाद शियालदह स्टेशन से छूटेगी। जस्ट रीच एट शियालदह स्टेशन। तो शियालदह स्टेशन में पहुँच गए और हम लोग अभी कुछ डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, मिलते हैं ट्रेन पे। बिफोर कैचिंग द ट्रेन हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पर नीलम, ये नीलम फूड सेंटर है शियालदह स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग आए, मैंने लिया है मसाला डोसा और मेरे दो दोस्त लिए हैं प्लेन डोसा। तो यहाँ पर खाएंगे और खाने का भी रिव्यू कर देंगे इस वीडियो में। If you are going somewhere from शियालदह स्टेशन और आपको खाना खाना है तो 9B के ऑपोजिट में जो है, 9B प्लेटफॉर्म के ऑपोजिट में जो रेस्टोरेंट है नीलम फूड कोर्ट जो है, उसमें खाना मत खाइएगा। एकदम घटिया क्वालिटी का खाना है। हम लोग मसाला डोसा जो लिए थे, मैं मेरे दोस्त कोई भी पूरा खा नहीं पाए, इतना घटिया टेस्ट था उसका। मीन्स कुकिंग कैसा हुआ था क्या पता, एकदम घटिया था। जो भी है, मेरे पीछे ये जो ट्रेन दिख रहा है दार्जिलिंग मेल है और इसी में हम लोग चढ़ेंगे। पहुंच गए ट्रेन पे और ट्रेन हम लोगों का छूटेगा लगभग कुछ 15 मिनट बाद। तो हम लोग थोड़ा सा भी गपशप मारेंगे। और ये हम लोगों का कैशियर है आज का, तो पूरा इधर हिसाब किताब चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन वगैरह चल रहा है, क्या क्या खर्चा हुआ है। तो हम लोग का ट्रेन छोड़ चुका है और हम लोग सीधा पहुँचेंगे NJP स्टेशन एट अराउंड 8 o'clock मॉर्निंग। और वहाँ से हम लोग कार लेंगे और जाएंगे हम लोगों का बरामंगवा और देखेंगे कैसा लगता है वहाँ पर। तो सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग, जस्ट वेक अप। अभी NJP पहुँचने में 15 मिनट बाकी है। थोड़ा मुंह हाथ धो के फ्रेश होके बैठूंगा, उसके बाद वेट करेंगे स्टेशन आने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जस्ट रीच सिलीगुड़ी। और कुछ भी करने से पहले थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। एंड ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम। तो ये है फेमस जगह NJP स्टेशन। फेमस जगह इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारा टैक्सी कैब वगैरह मिलता है। तो अब अगर आएंगे, बहुत सारे लोग आते हैं सामने टैक्सी बोल के आपको बोलेंगे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो जाना ज़रूर, लेकिन बार्गेन करके जाना, क्योंकि रेट का कोई हिसाब नहीं रहता, कुछ भी मांगते रहते तो बार्गेन करके ही उठाते हैं। ये जो रेस्टोरेंट आपने देखा है, इसमें हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। ये सिलीगुड़ी के अंदर ही आता है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, फीडबैक देते हैं कैसा है ब्रेकफास्ट। चिकन ये आता है, ये बात तो है।
फूड वॉज सो सो बट प्राइस इज टू मच. मीन्स एक प्लेट पूरी सब्जी का जिसमें चार पूरी रहेगा 95 रुपीज़ में चार पूरी और सब्जी और थोड़ा सा प्याज एकदम एकदम बेकार. इतना पैसा तो लेना ये मैक्सिमम 30 रुपये अगर होता तो मैं बोलता चलो ठीक है चल जाएगा लेकिन 95 इट्स टू मच टू आए. तो हम लोग अभी डेस्टिनेशन पे आ गए हैं और जो ब्यूटी है यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हो. ये चढ़ के ऊपर हम लोगों को जाना पड़ेगा. थोड़ी ऐसी तो खबर दी गई भाई. तो ये जो पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही हम लोग रुके हैं और ये बिल्डिंग में खास बात नहीं है, खास बात यहाँ पर है. ये है जो खास बात इस बिल्डिंग को खास बनाती है. तो 2 दिन का हम लोग का ट्रिप का यही है रहना ताकि ये जो नेचर का सीन है जो ब्यूटी है हम लोग फुल्ली एंजॉय कर सके काम से दूर दोस्तों के बीच में 2 दिन. अभी नहा धो के फ्रेश होके एकदम मैं बैठा हूँ और आप लोगों से थोड़ा बात कर लेता हूँ इस जगह के बारे में. ये जो जगह है बारामंगवा, इसमें जो होटल हम लोग रह रहे हैं ये बारामंगवा फार्म हाउस है जिसमें 6 रूम आपको मिलेगा अगर आप बुक करते हैं. 6 रूम का अलग अलग टैरिफ है. स्टैंडर्ड जो रूम है वो 1250 के आसपास है और उससे जो बेहतर है डबल बेडरूम का प्रीमियम डबल बेडरूम जो है वो आपका कुछ 1600 के आसपास है. और हम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं ये प्रीमियम डिलक्स रूम है जो इसका 2000 रुपीज़ का टैरिफ है. इसके बाद सर्विस चार्जेस जो है वो अलग से होगा, कुछ 10% के आसपास सर्विस चार्जेस रहेगा. तो हम लोगों का जो डबल प्रीमियम बेडरूम है आप देख सकते हैं बेडरूम 2 बेड अलग अलग दिया है, ये सेमी डबल बेड है. इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, मैं हम लोग जब से आए हैं लगभग कुछ 1.5 घंटे के आसपास होने के हो अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो पता नहीं मेरा कैमरे में कितना चार्जेस रहेगा. थोड़ी देर बाद ही ये बंद हो जाएगा शायद, तो जब आ जाएगा तब हम लोग चार्ज कर लेंगे. अभी लगभग कुछ इलेक्ट्रिसिटी है नहीं. तो यहाँ पर आने में आपको NJB से लगभग कुछ 2.5 घंटे के आसपास लगता है. आप अगर NJB से कार लेते हैं, अपना खुद का कार रेंट करते हैं तो ये इस होटल के नज़दीक आके कुछ 500 मीटर के दूरी पर आपको छोड़ देगा. अगर आप शेयर पे आते हैं, शेयर पे आपको लगभग कुछ 4 किलोमीटर पहले आपको उतार देगा, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा. तो बहुत चढ़ाई है जिसके वजह से मैं रेकमेंड करूंगा आप अगर आते हैं तो अपना खुद का कार एक पर्सनल कार एक रेंट पे ले लीजिए, उसके बाद आइए.
रेंट लगता है कुछ 2,400 के आसपास कार रेंट आपको लग जाएगा यहाँ पर आने के लिए। और सबसे अच्छा होगा आप अगर होटल वाले से बात कर लेते हैं तो होटल वाले ही कार प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और खाने की बात करते हैं तो 600 रुपीज पर हेड यहाँ पर खाने का है। आपको इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर मिल जाएगा। और इसको बुकिंग कैसे करना पड़ता है, इसका जो वेबसाइट है इस होटल का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके रूम बुकिंग के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, देख भी सकते हैं। बहुत भूख लगा है सुबह से, वही आपको दिखाया था, 4 पूरी खाया, उसके बाद कुछ खा नहीं पाया, तो चलिए लंच कर लेते हैं पहले। फूड वॉज एक्सीलेंट, खाना बहुत अच्छा लगा। और रात में भी अलग अलग डिशेस बना रहे हैं, रोटी जो खाना चाहता है रोटी, और जो चावल खाना चाहता है वो उसके लिए चावल, और जो हम लोग का चावल मैन है वो है ये चावल मैन, द चावल मैन। कितनी बार चावल लिया है आज? 6 बार चावल ले लिया और सब चावल, लेकिन सब चावल लास्ट, सब चावल इसका पेट में नहीं जाता, आप भी जाता। हाथ देखिए भूल गया है। तो चावल 6 बार लिया है, मीन्स 6 प्लेट भर के लिया है। हम लोग स्टैंडर्ड 6 प्लेट जितना खा सकते हैं, मीन्स 1 प्लेट जितना खा सकते हैं उसका 6 बार लिया है। तो मिस्टर चावल मैन के लिए जो यहाँ पर शेफ लोग थे वो खा नहीं पाए अभी चावल, और कुकिंग के लिए बिठाया। इनको आज पूछा गया कि रात को कितना रोटी आप खाएंगे, तो इन्होंने बोला 32। इन्होंने पहले पूछा रोटी का साइज क्या है, तो बोला मीडियम। मीडियम बोलने के बाद बोला 32 रोटी खाएंगे। होटल वाला बोल रहा है कि साफ खाता है। जेकी की वाइब्स वाला चीज, लेकिन जेकी वाइब्स तो 32, ये लोग जो बोले 32 रोटी, पूरा फार्म हाउस में बंधा है, पूरा गेस्ट 32 रोटी खा के पेट भर जाता है। ये अकेला 32 रोटी खाएगा। वो लोग बोल रहे थे कि सर लगता है हम आपके दोस्त को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो जोक्स अबाउट, वो 32 नहीं खाता, 14-15 खाता है। हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ में, नेक्स्ट 8 और 8। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी तक मुझे जो लगा, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था कभी भी, वो अभी खुद व्लॉग कर रहा है। आई सॉ, मैंने तुमको देख लिया, तुम व्लॉग कर रहे थे। तो अभी पता नहीं वो YouTube में अपलोड होगा कि नहीं पता, लेकिन वो कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने आप को शूट करते करते। कौन सा बेस्ट फोटोग्राफी पोज होगा वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मैं भी फोटोग्राफी कर रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप फॉलो करते हो तो आप शायद इंस्टाग्राम में देख चुके होंगे फोटो। तो अभी लालू है, ये है लालू जो मीनाल के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों लालू फोटो बम बन रहा है हमारे फोटोग्राफी में। We'll be right back.
হাতুটো রুমটার সামনে ঘর, হাতুটো সামনে ইয়ের মতো ঘর, ওয়ান থেকে সালমান খানের ঘর। हम लोग अभी तक आधा घंटे से यहाँ के आजू बाजू घूम रहे हैं, एक बार चढ़ रहे हैं, एक बार ऊपर उठ रहे हैं। तो देखिए मेरा दोस्त उधर से आ रहा है, तो यहाँ से आने के बाद हम लोगों का प्लान है वहाँ तक और भी जाने का। तो हम लोगों को गाइड कर रहा है वो राही, जी हाँ, वो जो है प्यारा सा डॉगी, उसका नाम है राही। और वो बहुत देर से हम लोग को फॉलो भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, शायद कोई रास्ता दिखाने की कोशिश में है। यहाँ पर पूरा झरने का पानी, शायद आपको थोड़ा थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, झरने का पानी बह रहा है नीचे तक। अगर ये स्लीपरी नहीं है तो हम लोग उधर जा सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं एक बार। ये रहा राही, लोकल लोग इसको राही बुलाते हैं, और शायद इसी वजह से राही बुलाते हैं कि ये हम लोग के राह में एक साथ हम लोग के साथ चल रहा है। बहुत देर तक मैं देख रहा हूँ पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, तो इसलिए शायद इसका नाम राही रखा है लोकल लोगों ने। अभी जितना दूर जा रहे हैं राही हम लोग को छोड़ के और भी आगे जा रहा है, कहाँ ले जाने की कोशिश में है पता नहीं, लेकिन कहीं ले जाने की कोशिश तो वो कर रहा है। पता नहीं कितना दूर तक मैं जाऊँगा, जितना बढ़ रहा हूँ जंगल घना होता जा रहा है और रास्ता सिर्फ यही है। हाँ, ये सिर्फ कच्चा रास्ता जो दिखाई दे रहा है, ऐसा ही रास्ता है सिर्फ, और वो सुबह आ रहा है मेरे पीछे पीछे। तो एक दूसरे को फॉलो करते करते हम तीनों जा रहे हैं, सिर्फ राही ऐसा है कि किसी को फॉलो किए बिना ऐसे ही जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो है क्वेश्चन मार्क। पता नहीं एक्चुअली करना क्या चाह रहा है, हम लोग अगर नहीं जा रहे हैं तो वो आगे जाके कहीं पर रुक जा रहा है। तो राही इधर आया हम लोग को लेकर के, अभी पता नहीं क्या है यहाँ पर, लेकिन दिखने में एकदम डरावना लग रहा है। तो राही हम लोग को लेके आया है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर दिखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, और राही को भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा राही कहाँ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राही कहाँ गया। ए जॉइन तो हैं की पूछिस, अरे एक तो चल ना, कुछ ही तो नहीं, यहाँ नहीं है वो सुंदर जाएगा ना। और यहाँ पर रास्ता बहुत ही स्लीपरी है और मैं अपने स्लीपर्स पे हूँ, तो पता नहीं रिस्क लेकर के आगे जा रहा हूँ, बट राही नहीं दिखाई दे रहा है, राही दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया राही। राही जानतो? ओ राही, यहाँ पर पूरा बम्बू ट्रीज है भरा हुआ और राही को दिखाई नहीं दे रहा, राही दिखाई नहीं दे रहा है। देख उधर उधर ही चराई कोई, वो हाँ दूर पे दिखाई दे रहा है राही, वो शायद कुछ ढूंढ रहा है उधर, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट लगा उसके साथ जाने में। अच्छा
দাঁড়া আর একটু। তো ইয়ে শায়দ ইসকা ডেস্টিনি আ গিয়া হ্যাঁ কহীঁ পর। তো ইয়ে শায়দ কোই ডেস্টিনি আয়া হ্যায় জিসকে ওজহ সে ইয়ে থোড়া রুক গিয়া, পতা নেই ইয়হাঁ পর তো রাস্তা এন্ড হো যা রহা হ্যায়, দিখাই দে রহা হ্যায় জো। তো রাহি আব থোড়া সা শান্ত হুয়া হ্যায়, পতা নেই কিউ হাম লোগো কো ইধার কে লেকে আয়া। তো কুছ বোলনা চাওগে আব মেরে দর্শকো কো? না, রাহি হাম লোগো কো লেকে গিয়া সেফলি, লেকে ভি আয়া সেফলি। তো থ্রি চিয়ার্স ফর রাহি। নেই, থ্রি থাম্বস আপ ফর রাহি। ওকে, থ্রি লাইকস তো বানতাই। গুড মর্নিং গাইজ, লাস্ট নাইট ওয়াজ আ ভেরি গুড নাইট। উতনা মানে জ্যাদা রাত কো শুট নেই কিয়া, ইসকা রিজন ইয়ে হ্যায় কি বহুত দিন বাদ হাম লোগ দোস্ত এক সাথ বেঠে থে, বহুত বাতচিত হো রহা থা, জিসকি ওজহ সে হাম লোগ অর ভিডিও শুট নেই কিয়ে। আজ থোড়া সাইট সিন ঘুমনে যায়েঙ্গে অর আপকে সাথ তো জানাই হ্যায়, অর দিখায়েঙ্গে সাইট সিন ওগেরা। আবি হাম লোগো কে সামনে লাস্ট ডে জো ভিউ থা পুরা ফগ আপ দেখ সকতে হো, और बहुत भूख लगा है। तो चाय पी लेने के बाद हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। चीनी भर दो। সাইড সিন কে লিয়ে যা রে, লেকিন পুরা বাদল ছা গিয়া চারো তরফ, পতা নেই সিজন তো বারিশ কাই চল রহা হ্যায়, ফির ভি লক কে উপর ভরোসা করকে আয়ে থে, পতা নেই কিয়া হোগা। থোড়া থোড়া বারিশ কে বুন্দে গিরনা ভি চালু হো গিয়া হ্যায়, চারো তরফ ফগ হি ফগ দিখাই দে রহা হ্যায়, ফগ নেই অ্যাকচুয়ালি বাদল হি হ্যায় জো চারো তরফ সে আ রহা হ্যায়। ये गाड़ी है, छोटा गाड़ी नहीं मिला तीन बंदे के लिए, इतना बड़ा गाड़ी तो क्या कर सकते हैं, जो मिला उसी से हम लोग चलाएंगे अपना काम। तो थोड़ी देर में हम लोगों का जर्नी शुरू हो जाएगा इस कार में, और अब तक जितना भी आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर ही ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर ये वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसका मैं पार्ट टू बनाऊँगा जैसे दूसरे वीडियोस का बनाता हूँ। तो पार्ट टू के लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए, कुछ ही दिन में आपको पार्ट टू भी दिखने में मिल जाएगा, जिसमें और भी बेहतरीन व्यूज़ बेहतरीन आपको व्लॉग मिलेगा। तो आज के लिए टाटा। खाना पड़ा नीलम, नीलम फूड बोल के जो रेस्टोरेंट है, नीलम फूड पूरी इच्छा
হ্যাঁ আমি খাবো বাট ওয়াই আর ইউ লাফিং ফুড কে বারে রিভিউ দো দ্য ফুড ওয়াজ অর্গ্যানিক